धाकड़। भाई हमारे हरियाणा का किसान धाकड़, जवान धाकड़ और ये पहलवान भी धाकड़। मेरे युवा साथियों, हमारी बहनों, हरियाणा का युवा एक चमकता हुआ सितारा इस प्रदेश को तो आगे बढ़ा ही रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी पूरा इसका योगदान है। हम हरियाणा की आबादी भले ही 2.5% है, 2% है देश की, लेकिन हमारे यहाँ के जवान 11% सेना में हमारे जवान है हरियाणा के। और खेलों का कमाल, खेलों का कमाल तो हम देख ही रहे हैं। देश भर में जितने खिलाड़ी चाहे विदेशों में जाते हैं, चाहे अपने देश की धरती पर खेलते हैं, एक तिहाई से ज्यादा, चाहे खिलाड़ियों की संख्या हो और चाहे मेडलों की संख्या हो, एक तिहाई से ज्यादा हरियाणा के लोग लेके आते हैं। भाई बहनों, तो मैं आज के दिन रोहतक के युवाओं के माध्यम से पूरे हरियाणा के युवाओं को, युवतियों को एक आह्वान करता हूं कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना, चाहे वो शरीर की दृष्टि से खेल खेलो, योग करो, व्यायाम करो, और चाहे पढ़ाई की दृष्टि से स्कूल से लेके कॉलेज तक, चाहे लाइब्रेरीज हमारी हो, चाहे पढ़ने के लिए जो भी स्थान आपको मिले, पढ़ाई में अव्वल आना। और अब तो इस पढ़ाई के कारण से ही हरियाणा में सब नौकरियां केवल इस पढ़ाई के कारण से मिलेंगी, किसी के आगे पीछे घूमने से नहीं मिलेंगी। और चाहे हम जिस काम में लगेंगे आगे चल करके, उस विधा को निखारने के लिए अगर सरकार की जरूरत है तो हर प्रकार की जरूरत सरकार को पूरा करने के लिए आपकी मदद करेगी। इसलिए भाई बहनों, युवा साथियों, अपने जीवन को व्यसन मुक्त रखना, गलत आदत मत लगने देना। हमने अभी पीछे हरियाणा में एक साइक्लोथॉन चलाई थी जिसमें 1,60,000 साइकिल चला करके युवकों ने भाग लिया था। 25 दिन की यात्रा, 1978 किलोमीटर 25 दिन उसने किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये हरियाणा का। तो मित्रों साथियों, मैं तो ज्यादा ना कह करके इतनी बात आपको कहूंगा कि हमारा भविष्य अपने प्रदेश का भविष्य है, अपने देश का भविष्य है। हमने देश का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, बनाना है, तो प्रदेश का भविष्य अच्छा चाहिए। प्रदेश के हर प्रकार का योगदान दुनिया में हमारे देश को ऊंचा चमकाएगा। और प्रदेश का भविष्य यदि सुरक्षित रखना है तो अपना भविष्य भी सुरक्षित रखना है। इसलिए हम अपने भविष्य के मालिक, प्रदेश के भविष्य के मालिक और देश के भविष्य के मालिक हैं। इसलिए जिस विधाओं में आज ये रागिरी जैसे कार्यक्रम में आप अपनी विधा दिखा रहे हैं, इसी गति से, इसी उत्साह से आगे लगे रहना, आगे बढ़ते रहना। हमारे ये छोटे छोटे जवान साथी किस प्रकार का अपनी योग के माध्यम से, मलखम के माध्यम से कितनी कृतियां, कलाकारी दिखा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। गुरुकुल के छात्रों के लिए मैं अपना जो हमारा डिस्क्रिप्शन फंड है, आपके लिए, आपके उत्साह के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए 2,00,000 रुपए की राशि आपको भेंट में करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।